नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है मेथी और कच्चे केले की सब्जी। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। कच्चा केला आधा किलो, मेथी का साग एक कप कटा हुआ, प्याज एक बारीक कटा हुआ, टमाटर एक बारीक कटा हुआ, अदरक कद्दूकस करी हुई एक बड़ा चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक, जीरा साबुत जीरा एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच, तेल दो छोटे चम्मच, नमक एक छोटा चम्मच या स्वादानुसार। अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले केलों को छील लीजिए, उसका जो मोटा छिलका है वो पूरा अच्छे से निकाल लीजिएगा। उसके बाद केलों को छीलने के बाद उनको छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए और इनको पानी में ही काटिए, वरना ये काले पड़ जाते हैं। और इसको पानी में तब तक रखिए जब तक हम इसको सब्जी में नहीं डालते, इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। कढ़ाई में दो चम्मच तेल गरम कर लीजिए और इसमें जीरा डाल दीजिए और इस जीरे को तड़कने दीजिए। जब ये जीरा अच्छे से तड़क जाए तब इसमें प्याज डाल दीजिए जो हमने बारीक काटा हुआ है, और इस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। आँच को आप मध्यम ही रखिए, धीमा मत करिएगा, बहुत तेज़ भी नहीं रखिए वरना ये भूरे हो जाएंगे। हमें प्याज को बिल्कुल पारदर्शी तक ही भूनना है। तो जब ये प्याज पारदर्शी सा हो जाए तब इसमें अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और इन दोनों को भी करीब एक मिनट तक भून लेंगे मध्यम आँच पर, जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इनका कच्चेपन की खुशबू जब ख़त्म हो जाए तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए, बीच बीच में चलाते रहिए। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर डालना है। उसके बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार। अब इन सब मसालों को अच्छे से इस प्याज टमाटर के मिश्रण में भून लीजिए। मसालों के भून जाने के बाद इसमें हम कटी हुई मेथी डाल देंगे और मेथी को भी अच्छे से इस प्याज टमाटर के मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। और जब तक थोड़ा सा मेथी हल्की सी दब ना जाए, गल सी ना जाए, भुन जाए, तब तक हम इसे थोड़ा भूनते रहेंगे। जब ये मेथी अच्छे से इसके अंदर समा जाएगी, मिल जाएगी, तब हम इसमें केले के टुकड़ों को पानी से निकाल के इसमें डाल देंगे सब्जी में। पानी से निकाल देना है अच्छे से और फिर उसमें डाल के अच्छे से इनको चला लेना है। सारे मसाले में केले के टुकड़े अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, एक चम्मच या जैसा भी आप खाते हो। और फिर इसको नमक को खूब अच्छे से सब पूरी सब्जी में मिला लेना है। नमक मिल जाने के बाद हम इसे ढक देंगे और आँच को धीमा कर देंगे और इसको पकने देंगे। इसके पकने में करीब 10-12 मिनट का समय लगेगा, तो हम बीच बीच में इसको ढक्कन हटा के चलाते भी रहेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए हर तरफ से, और दूसरा हमें पता चलता रहे कि सब्जी कब बन गई है। जब केले गल जाएँ अच्छे से तो हमारी सब्जी तैयार है। इसको तेज़ आंच करके अच्छे से भून लीजिए ताकि सारा पानी सूख जाए, और उसके बाद आंच को बंद कर दीजिए। कच्चे केले की और मेथी की सब्जी तैयार है। वैसे तो ज़्यादातर आलू मेथी की सब्जी खाई जाती है, पर यह सब्जी अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसको आप एक साइड डिश की तरह किसी भी समय के खाने में परोस सकते हैं। रोटी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं इसे, और बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।